उमर जो पहले मारते थे गरीबों को, वही फारूक अमीरुल मोमिनीन बने। चेहरे पे नकाब पहना गली से गुजर रहे, एक बूढ़ी अम्मा परेशान बैठी। उमर रोक गए, गुलाम से कहने लगी, बूढ़ी परेशान लगती, हुजूर पूछ लेते। फरमाया, अम्मा अंदर आ जाए। अम्मा कहने लगी, जाओ दौड़ो अपना काम करो। कहा, तेरी मेहरबानी, आने दे। जब जिद की तो कहने लगी, आ जाओ। हजरत उमर अंदर गए, नकाब है चेहरे पे। अम्मा, क्यों परेशान हो? कहने लगी, उमर से बड़ी शिकायत। क्या हुआ? कहने लगी, बूढ़ी भी हूं, बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया, 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। उमर अमीरुल मोमिनीन है, उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। हजरत उमर कहने लगे, अम्मा उमर को क्या पता तू इस हाल में है? तो मदीने की वो बूढ़ी औरत भी जानती थी कि जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है। अम्मा उमर को क्या पता कि तू उस हाल में है? तो वो अम्मा बोली, कहने लगी, क्या कहा तुमने? उमर को पता नहीं? तो उमर को जाके मेरा पैगाम दे दो कि हुकूमत छोड़ दे, उसके हवाले करे जो गरीबों का पता रख सकता है, ना इधर उधर की तू बात कर। ये बता कि काफला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू बहाना करके साइड पे हो गया, बोल। तू पता रख नहीं सकता तो क्यों हुकूमत करता है? आपके गुलाम कहते उमर दौड़ लगा के बाहर निकले, खाना पक्का पकाया घर से लाए, 25 दिनार भी लाए, 2 बोरियां अनाज की कंधों पे रख ली। गुलाम कहने लगा, हुजूर मुझे दे दे। फरमाया, वादा कर, कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। हुजूर मैं नहीं उठा सकता। उमर लाए, उस बूढ़ी अम्मा को 25 दिनार दिए, 2-3 महीने का राशन दिया, खाना खिलाया। यहां तो जिसका 200-400 वोट हो उसे है, कोई सरदार चौधरी पूछ ले, गरीबों को कौन पूछता है? लेकिन जब मिलाद का इनकलाब आता है फिर गरीबों की इज्जत बढ़ती है। हजरत उमर अम्मा के पैरों में बैठ गए, कहने लगे, अम्मा चल उमर को मेरी खातर माफ कर दे। अम्मा ने एक लफ्ज कहा तो आपके गुलाम कहते हैं, उमर को इतना रोते कभी नहीं देखा जितना उमर आज रोए। अम्मा कहने लगी, मैं कोई नहीं माफ करूंगी, मैं तो बूढ़ी हूं, किसी वक्त भी बुलावा आएगा। जब मैं मरूंगी ना, नबी पाक मेरी कब्र में आएंगे तो मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। मैं कहूंगी, महबूबा मैं गरीब नहीं, मजबूर परेशान, आपने इसकी ड्यूटी लगाई थी, इसने मेरा हाल नहीं पूछा। आपके गुलाम कहते हैं उमर इस तरह रोते जैसे बच्चा बिलख के रोता। कहने लगे, अम्मा इस तरह ना करना, उमर बड़ा कमजोर है, बड़ा कमजोर, वो ये शिकायत ना लगाना, उमर बड़ा माड़ा है, हुजूर का सामना नहीं कर सके। अम्मा कहने लगी, नहीं मेरा दुख ही बड़ा है, मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। हजरत फारूक के आजम मिन्नत करने लगे तो बूढ़ी कहने लगी, चल तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर कहने लगे, मुझे लिख के दे। अम्मा कहने लगी, तुम लिख दो मैं साइन कर देती हूँ। हजरत उमर ने लिखा, फुलां बिनते फुलां उमर से नाराज थी, फिर उमर ने राजी कर ली। वो अम्मा दस्तखत करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। अंदर आते ही कहने लगे, उमर यहां खड़े हो, मैं सारे मदीने में ढूंढ आया हूं, वो मुल्क के शाम के कुछ सफीर मिलने आए। अम्मा फटाफट उठ गई, हाय ये उमर था? उमर के सामने कहती रही। फारूक आजम कहने लगे, ना अम्मा तू वादे पे कायम रहे, तूने जो किया ठीक किया, साइन कर। अम्मा ने दस्तखत किए तो हजरत उमर हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को खत दे के कहने लगे, अली गवाह के साइन आप भी कर दो, अब्दुल्ला बतौरे गवाह तुम भी दस्तखत कर दो। जब साइन कर गए, कर दिए, तो हजरत उमर ने रुका लपेटा और हजरत अली को देख के कहने लगे, अली मुझे उम्मीद है मैं तुमसे पहले दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊं तो ये रुका मेरे कफन में रख देना, मेरे नबी ने अगर पूछा उमर मेरी उम्मत का क्या करके आए हो, तो मैं रुका निकाल के अर्ज करूंगा, मौला एक बूढ़ी अम्मा नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूं। और भाई मिलाद इनकलाब का खुदारा, अमीरों का इंतजार ना करो, गरीब एक दूसरे के आंसू।